Hello friends, welcome again my YouTube channel Transforming Educations. आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट. क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, क्यूब रूट बड़ा इजी होता है फाइंड. मैं अगर आपको ये कहूँ कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी इजी होता है फाइंड करना तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी. ठीक है ना, बहुत इजी होता है क्यूब रूट. बशर्ते बात यह है कि आपने बस थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस की हो और उस आपको उस ट्रिक का प्रॉपर पता हो, उस ट्रिक को प्रॉपर कैसे अप्लाई करते हैं. चलिए आज देखते हैं क्या होती है क्यूब रूट की ट्रिक. क्यूब रूट की ट्रिक याद कर सीखने से पहले आपको ये होना चाहिए, आपको 1 से लेके 10 के क्यूब तक आपको सारे याद होने चाहिए. मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए. जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000. मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो नॉन मैथ्स है, क्यूब का क्या मतलब होता है. देखिए, क्यूब का मतलब होता है कि आप सपोज आप ऐसे लिख रहे हैं 4 × 4 × 4, इसको इस तरह लिख के हम इस तरह लिख देते हैं मैथमेटिक्स में 4 का क्यूब. ये जो उसको बोलते हैं क्यूब, और जब ऐसे लिखा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर. ठीक है फ्रेंड्स, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखना है जब आपके पास आएगा कैलकुलेट करने के लिए, हो सकता है ऐसे लिखा हो तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. लेकिन इसी के अगर ऐसे ये चीज लिखा हो, 3 लिखा हो, तो आपको क्या फाइंड करना है, उसका क्यूब रूट फाइंड करना है. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, क्यूब रूट से पहले निकालने से पहले एक और चीज बता दूं आपको, जो इसमें बेसिक चीज अप्लाई होती है, इसमें आपको यूनिट डिजिट करनी है. यूनिट डिजिट का मतलब कि 4527, इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, 4527 में 7, 7 इज द यूनिट डिजिट. कोई भी नंबर जिसकी जो लास्ट डिजिट होगी, अगर मैंने लिखा है 5 तो यूनिट डिजिट क्या है, नंबर यूनिट डिजिट भी 5 है और 5 ही नंबर है. ठीक है फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बता देता हूं, 9265 में यूनिट डिजिट क्या होगी, जो लास्ट का है. ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई, हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई का अंक क्या है. ठीक है ना, चलिए खैर देखिए, 1 में यूनिट डिजिट क्या है, 1, 2 में यूनिट डिजिट क्या है, 8, 3 में यूनिट डिजिट क्या है, 27 आ रहा है, 27 में यूनिट डिजिट क्या रहेगी फ्रेंड्स, 7, 7 इज द यूनिट डिजिट. एज इट इज अगर हम 5 में जाएं, 5 में 125 यूनिट डिजिट क्या होगी, 5, 7 में जाए यूनिट डिजिट क्या होगी, 3. ठीक है, यूनिट डिजिट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है जब क्यूब रूट निकालेंगे. चलिए एक क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं हम, सिंपल सा क्यूब रूट है. सिक्स एट फाइव नाइन किसका क्यूब रूट होगा, ये हमें निकालना है इसमें. तो मैंने आपको क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, फिर सिंपल समझने के पहले इसे ब्रेक करेंगे. स्क्वायर रूट में हमने लास्ट की 2 डिजिट छोड़ी थी. अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता निकालना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, मैंने उसमें स्क्वायर रूट समझाया हुआ है आपको. ठीक है ना, उसमें हमने लास्ट की 2 डिजिट छोड़ी थी, ये क्यूब है तो इसमें लास्ट की कितनी डिजिट छोड़ेंगे, 3. ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं तो लास्ट की कितनी डिजिट होते हैं, 2 डिजिट. क्यूब में ये लिखते हैं 3 तो लास्ट की कितनी डिजिट छोड़ते हैं, 3 डिजिट. तो हमने लास्ट की 3 डिजिट इसमें छोड़ दी, एक स्लैश लगा लिया यहाँ पे. ये क्या हो गया, स्लैश. इसको हम थोड़ा सा हमने थोड़ा अलग अलग कर लिया. अब हमें ये देखना है ये जो 6 है ये किस किस के क्यूब के बीच फॉल करेगा. 6 जो है किसके क्यूब के बीच फॉल करेगा, कौन सा इससे एक छोटा नंबर होगा, कौन सा इससे एक बड़ा नंबर है जिसके बीच में 6 फॉल कर जाए, 6 फॉल कर जाए. अब देखते हैं किस किस के क्यूब के बीच में 6 फॉल करता है. 1 का क्यूब कितना होता है, 1. 2 का क्यूब कितना होता है, 8. यानी 1 और 8 के बीच फॉल करेगा 6. किसके बीच फॉल करेगा, 1 और 8 के बीच. 1 और 8 के क्यूब के बीच फॉल करेगा तो इसमें छोटा कौन सा है, 1 के क्यूब का 1, 2 का 8 और 6 जो फॉल कर रहा है 1 और 8 के बीच फॉल कर रहा है, यानी कितना, 6. 6 नहीं पे आएगा. अभी बताइए इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 1 का क्यूब छोटा है या 2 का क्यूब छोटा है, 1 का क्यूब. तो हमारी पहली डिजिट हो गई 1. ठीक है फ्रेंड्स, जो भी छोटा होगा उन दोनों, जिनके 2 के बीच में फॉल कर रहा है उनमें से जो छोटा है वो हम सबसे पहले डिजिट लिख लेंगे. 1 हमने लिख लिया,
अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 9, 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 6859, तो 9 यूनिट डिजिट किस में आ रही है ये देखिए, 9 यूनिट डिजिट किस में आ रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये आई 9, 9 किस में आई, 9 ये यूनिट डिजिट आई। अब यूनिट डिजिट इसकी भी 9 है और इसकी भी 9 है, तो कहीं ना कहीं जब 9 का क्यूब करेंगे तभी लास्ट में 9 की डिजिट आएगी, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 9, तो ये किसका क्यूब हुआ, 19 का, किसका क्यूब हुआ ये, 19 का, आप करके देखिए 19 का क्यूब एग्जैक्ट बैठेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, ये करना है हमें फाइंड आउट। ठीक है फ्रेंड्स, 12167, ठीक है, सबसे पहला बेसिक मेथड क्या है, लास्ट की 3 डिजिट अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर ली, उसके बाद जो डिजिट बची उन्हें अलग कर लीजिए, मैंने एक स्लैश लगाया यहां पे, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, अलग हो गई डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दी हमने, 12167 लिखा था, लास्ट की 3 डिजिट को मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब क्या आया मेरे पास, 12, कितना आया फ्रेंड, 12, अब मुझे देखना है 12 किस किस के क्यूब के बीच फॉल करेगा, 1 का क्यूब 1, 2 का 8 और 3 का 27, यानी कहने का मतलब क्या है, किस किस के क्यूब के बीच में ये फॉल करेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, यानी 8 और 27 के बीच में आएगा 12, सिंपल सी बात है, 12 किसके बीच में आएगा, 2 के क्यूब से बड़ा होगा और 3 के क्यूब से छोटा होगा, तो हम मैंने आपको बताया था जिसके क्यूब के बीच में आता है उसमें छोटा क्यूब कौन सा होता है वो लिख लेते हैं, 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2, तो हम 2 हमारी पहली डिजिट आ जाएगी यहाँ जिसका भी होगा। अब लास्ट डिजिट कितनी है इसकी, 7, और अब इनमें चेक करिए आप 1 to 10 के क्यूब में कि लास्ट की 7 यूनिट डिजिट किसकी आती है, लास्ट की 7 यूनिट डिजिट किसकी आती है, आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक 7 ही है जिसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे आती है, ठीक है ना, तो किसकी आई है, 3 का, 23 का, करके देखिए आप सिंपल सा 23 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन करके देखिए 12167 आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको करनी नहीं है, जब ये चीज़ भी आपको लिखनी नहीं है, ये सब आपके माइंड में चलेगा कि 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 3 की यूनिट डिजिट क्या होती है, देखिए मैं आपको माइंड में करके दिखाता हूँ माइंड में कैसे करते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, बिना लिखे हुए इस चीज़ को, देखिए उस तरह से भी एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम ना, एक और लेते हैं, ठीक है, माइंड में कैसे करेंगे, देखिए लास्ट की 3 डिजिट छोड़ देंगे, अंडरलाइन कर ली, ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ गए, एक स्लैश कर लिया, 175, आप अपने माइंड में कैसे करेंगे, 175 किसके क्यूब के बीच में फॉल करेगा, आपके माइंड में आपको याद होना चाहिए 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का 216 होता है, 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है, तो यानी इसके बीच में फॉल करेगा, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में छोटा कौन सा है, 5, तो फर्स्ट डिजिट आप क्या लिख लेंगे, 5, देन उसके बाद आपको याद होना चाहिए इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 6, क्यूब रूट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें यूनिट डिजिट कभी रिपीटेशन में नहीं आती, आप स्क्वायर में देखिए यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है तभी हमें मिडिल डिजिट का फाइंड करना पड़ता है, अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियोस तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद अगर आप क्यूब रूट समझे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, ये 6 आया, अब आपको दिखाना है 6 यूनिट डिजिट किस में आती है, आपको पता है 6 का क्यूब करेंगे 6 6 36 और 36 मल्टीप्लीकेशन 6 216, तो लास्ट में यूनिट डिजिट किसके आ रही है, 6 के, तो एक यहां लिख देंगे 6, बिल्कुल आप करके देखिए प्रैक्टिकल के देखिए ये 56 का क्यूब होगा, आप 3 बार कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये चीज अब आपको एग्जैक्टली नहीं पूछी जाएगी वहां पे पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में कि ये फाइंड कर दीजिए, नहीं, वो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन दे देगा, यहीं पे एक क्यूब रूट निकाल देगा और कहेगा इनकी मल्टीप्लीकेशन करके बताइए, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर आप आंसर में जाए, नहीं, आपको वहां पे क्या लगाना है, डिजिटल रूट कंसेप्ट जो मैंने अपनी पहली बार वीडियोज में डिस्कस किया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्या करते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट फाइंड आउट करते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से फाइंड आउट हो जाए,
ठीक है फ्रेंड्स, इजी सा फाइंड आउट करते हैं कोई। 9261 का आपको क्यूब निकालना है कि किसका क्यूब होगा। सेम वही फंडा करेंगे, लास्ट की थ्री डिजिट छोड़ देंगे, एक स्लैश लगाएंगे, ठीक है। नाइन किस किस के बीच फॉल करेगा, टू का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यानी जो 9 आएगा 8 से तो बड़ा होगा लेकिन 27 से छोटा होगा। 9 किसके बीच में आएगा, 2 के क्यूब के और 3 के क्यूब में, इसमें छोटा किसका क्यूब होता है 2 का, तो फर्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी 2। अब लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1, अब 1 किसकी यूनिट डिजिट बैठती है, आप इसमें देखिए 1 से लेकर 10 तक किसी में भी 1 नहीं आ रही होगी सिर्फ 1 के अलावा। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो आपको क्या लिखना है सिर्फ एक 1 लिखना है। 21 का क्यूब करके देखिए डेफिनेटली यही पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी क्यूब रूट की ट्रिक्स फ्रेंड। जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सिलॉगिज्म की ट्रिक लाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं सिलॉगिज्म का पूरा कंसेप्ट वाइड में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, आपको डेफिनेटली बहुत ईजी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत सीखने की मिलेंगी मेरे एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और ट्रिक्स को सीखिए और अप्लाई कीजिए। इससे आपका जो आपको मैनेजमेंट करना है वो है टाइम मैनेजमेंट, स्कोर आप बना लेंगे लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंट IBPS के पेपर में टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से होगा जब हम चीज़ों को एलाबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करिए इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।